कभी-कभी हम बहुत परेशान रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, क्या करें, सिर्फ मुसीबत ही नज़र आती है, कोई भी हल हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप अकेले होते हैं, श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ होते हैं। पता है वो आपकी ज़िंदगी में दुख क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। वो आपको आगे आने वाली उससे भी बड़ी समस्या से लड़ने का रास्ता दिखाते हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और आपको अपने कर्म करने होंगे। समय की क्या मजाल की वो एक जगह टिक जाए। जब आपकी खुशी नहीं रुकती तो भला ये दुख कैसे रुकेगा? ये भी चला जाएगा जब आप इसका डटकर मुकाबला करेंगे। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं, चाहे दुख हो या सुख। किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के अपने उनसे दूरी बना लेते हैं। सबका दुख अपने लिए बड़ा होता है, पर इसका हल क्या है? हमें दुख में क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वो प्रेम नहीं लोभ होता है। अहंकार वो छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भी भाग जाएगी। लगभग हर व्यक्ति अलग अलग वजहों से चिंतित रहता है। अनावश्यक चिंता हमें कमज़ोर कर सकती है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा चिंता करने से बचना चाहिए। जब भी समय मिले हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में बहुत फर्क है। चिंता व्यक्ति को कमज़ोर बनाती है और चिंतन से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। चिंता से इतिहास नहीं बदल सकता, लेकिन हमारा वर्तमान जरूर खराब हो सकता है। इसीलिए चिंताओं से बचें। यदि आप जीवन की चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो इस पल में जिएं, हर सांस में जिएं, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। अपने शत्रुओं में सबसे पहला स्थान चिंता का है। आने वाले कल का दो तरीके से आप सामना कर सकते हैं, एक विश्वास के साथ या फिर चिंता के साथ। चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता है। चिंता आने वाले दुखों को कम नहीं करती, बल्कि आज के सुख को लूट लेती है। चिंता अक्सर एक छोटी सी बात को एक बड़ी छाया बना देती है। हमारी थकान अक्सर काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता, हताश और नाराज़गी के कारण होती है। चिंता वाला दिन काम के दिन से ज़्यादा थकावट भरा होता है। इसकी चिंता छोड़ो कि कुछ गलत हो जाएगा, इसके बारे में उत्साहित होकर कि क्या सही हो सकता है। चिंता, शंका, भय और निराशा हमारे दुश्मन हैं, जो हमें धीरे धीरे नीचे गिरा देते हैं। चिंता मुक्त रहो, जरा मुस्कुराओ, ध्यान से सुनो, जिम्मेदारी लेना सीखो। जो आप नहीं बदल सकते हैं उसे स्वीकार करें, अपनी ज़िंदगी से प्यार करो। चिंता करना समय की बर्बादी है, इससे कुछ नहीं बदलता है। ये आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है और आपकी खुशी चुरा लेती है। चिंता मतलब आपकी कल्पना का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाना है जिसे आप नहीं चाहते। 99% चीज़ें जिनकी आप चिंता करते हैं वो असल में होते ही नहीं। बीते कल का अफसोस, आने वाले कल की चिंता, दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को और खुशी को चुरा लेते हैं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए रास्तों को भी खोज लोगे। चिंता कर कुछ हासिल नहीं हो सकता, परंतु चिंतन करके ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। चिंता और चिता में बस बिंदु मात्र का फर्क है। चिंता शरीर को चिता तक ले जाती है, चिता शरीर को सारी चिंता से मुक्त कर देती है। कुछ को उनकी खुशियां सोने नहीं देती, तो कुछ को उनकी चिंताएं जगाती हैं। अगर आप तनाव से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन की तुलना कभी दूसरे के जीवन से मत कीजिए। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि
जिंदगी तमाम हो जाए। हमारे जीवन में दो प्रबल शत्रु क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है और चिंता से मनोबल का। क्रोध से शांति का नाश होता है और चिंता से सौंदर्य का। सारी चिंता जीते जी, चिता पर तो जलने का भी पता नहीं चलेगा। जो भाग में है वो कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की, आप केवल अपना कर्म करते रहें। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, पर विश्वास सदैव आगे देखता है। अतीत कब है और भविष्य की चिंता व्यक्ति को इतना परेशान कर देती है कि वह चैन से जी नहीं पाती।